नमस्कार, सत्यम समाचार के साथ मैं हूं नीलम शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं खबरों की। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं श्री रामलीला कमेटी के तत्वाधान में चल रही रामलीला के अंतर्गत शनिवार की देर सायं भगवान श्री राम की बारात धूमधाम से निकाली गई। बारात का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत हुआ। लंबे समय से आखिरकार जिस पल का इंतजार था वह पल 5 अक्टूबर की देर शाम आ ही गया और बाजार में लोगों की भारी भीड़ दिखाई देने लगी। बता दें कि ऐतिहासिक और प्राचीन रामलीला रंगमंच पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की बारात 5 अक्टूबर के दिन उत्साह और उल्लास के साथ धूमधाम से निकाली गई। भगवान श्री राम की बारात की शुरुआत किला बजरिया स्थित रानी साहिबा मंदिर पर आचार्य पंडित शील नामाचार्य ने भगवान का पूजन कर कराई, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। इस मौके पर राजा यशदीप सिंह, कमेटी अध्यक्ष महेश चंद्र अग्निहोत्री, कमेटी के अन्य सदस्यों की मौजूदगी भी थी। इन सभी लोगों ने भगवान के स्वरूपों का पूजन किया और आरती उतारी। किला से शुरू हुई राम बारात मदार दरवाजा, लाल मठिया, मोहल्ला कटरा, राजादा रोड, घंटाघर चौक, लेनगंज, सिटी पोस्ट ऑफिस, सदर बाजार, बड़ा चौराहा, करहल रोड, मुकुट बिहारी रोड, आगरा रोड आदि प्रमुख मार्गों से होती हुई कचहरी रोड स्थित सहकारी बैंक परिसर में बनी जनकपुरी पहुंचकर समाप्त हुई। बारात में हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, मैनपुरी सहित अनेकों जनपद से आई भगवान गणेश, हनुमान जी, भगवान शिव शंकर, राधा कृष्ण, माँ दुर्गा सहित कई देवी देवताओं की झांकियां शामिल रहीं। श्री राम मंदिर, केदारनाथ, वैष्णो देवी मंदिर की झांकियां लोगों ने आकर्षक का केंद्र रही। बारात में चंदौसी, आगरा, कड़ौत, मेरठ और मैनपुरी के मशहूर बैंड शामिल हुए। सबसे पीछे सुसज्जित रथ पर सवार भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न के स्वरूपों ने भी लोगों का मन मोह किया। करीब 100 से अधिक झांकियां ने यहां लोगों को आकर्षित करने का काम किया है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। देर रात करीब 3 बजे भगवान श्री राम की बारात को ऑपरेटिव बैंक स्थित जनक महल पहुंची। यहां भगवान श्री राम के स्वागत के लिए लोगों ने पहले से ही तैयारियां कर रखी थी और यहां भी भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं जनकपुरी में भजन संध्या का आयोजन हो रहा था, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। लेकिन जब राम बारात सुबह 3 बजे से जनक महल पहुंची तो यहां बारात का स्वागत जिस तरीके से किया जाता है उसी तरीके से किया गया। सभी बारातियों को जनकपुरी जनक महल के लोगों ने जनकपुरी में सासम्मान प्रवेश कराया और उनका स्वागत सत्कार भी किया, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं।